और खालसा चढ़ती कला दे विच अपने पैरों से खड़ा है और जे लड़ाई का समा होया खालसा लड़ाई के लिए भी तैयार है। कोई किस्म किस्म की घाट खालसे दे विच नहीं आई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हुक्म है कि सवा लाख से एक लड़ाऊं तभी गुरु गोबिंद सिंह अपना नाम कहाऊं। सवा लाख के नाल एक लड़ाना बहुत मुश्किल होंदा। जो कोई पढ़ लिख जाता तो वह समझदा कि एक सवा लाख के नाल किमें लड़ूंगा। मैं पढ़िया लिखिया मेरे विच भी हंकार पैदा होया सी। मैं भी अपने मन नूं पुछदा सी कि महाराज का हुक्म है पर एक सवा लाख के नाल किमें लड़ सकदा। फिर जड़े मेरे विच होमे अहंकार से वो 1984 दे विच निकल गया। जो मैं देखिया संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले सोवियत रूस बरतानिया ते इंडिया दियां फौजां तिन्नां दे नाल 72 घंटे लड़े। तीन दुनिया दियां मन्नियां होईयां परमाणु फौजां नूं दरबार साहब दे विच 72 घंटे अंदर नहीं आउण दित्ता। टैंक चले तोपां चलियां पर संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले अखीर दे विच जिहड़े दरबार साहब ते अकाल तख्त साहब के विचारे दो निशान साहब है उत्थे आके उन्होंने आखिरी लड़ाई दित्ती। उन्हां दी छाती दे विच 72 गोलियां सी। 72 गोलियां छाती दे विच ए संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने ते उन्हां दे साथियां ने ए हिंद हुकूमत नूं लड़ाई दित्ती। ते जिहड़े हिंद हुकूमत दे हंकारी सी जिन्हां ने दरबार साहब दे उत्ते हमले कीते ओ सारे मैं किसी का नाम नहीं लैंदा पर साध संगत जी उन्हां चों कोई भी अपनी मौते नहीं मरिया। ज्ञानी जैल सिंह इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। तुहानू शायद याद नहीं होगा कि वो भी अपनी मौत नहीं मरे हैं। ये है कि सिख कौम है कि जड़ी किसे दे पिछे पैजे हुकूमत होवे ना हुकूमत होवे एक किसे दे अगे हाथ नहीं खड़े कर दी।